नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। G20 सम्मेलन में भारत को बड़ी कामयाबी, दिल्ली घोषणा पत्र को मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने कहा, नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र हमारी टीम के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से सभी देशों की सहमति बन गई है। G20 घोषणा पत्र में कहा, हमारे पास बेहतर भविष्य बनाने का अवसर है। ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए कि किसी भी देश को गरीबी से लड़ने और ग्रह से लड़ने के बीच चयन करना पड़े। हम लैंगिक अंतर को कम करने, निर्णय लेने वालों के रूप में अर्थव्यवस्था में महिलाओं के पूर्ण समान प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर ने कहा, G20 घोषणा पत्र मजबूत सतत समावेशी विकास पर केंद्रित है। इसमें सतत हरित मार्ग की परिकल्पना की गई है। G20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई और यूक्रेन युद्ध के कारण गहरी हुई दुनिया में विश्वास की कमी को एक दूसरे पर भरोसे में तब्दील किया जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के प्रवक्ता ने G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नेतृत्व दिखाया है, हम उससे प्रफुल्लित हैं। उनका आभार व्यक्त करते हैं, G20 की 1999 में स्थापना किए जाने के बाद इसका पहली बार विस्तार किया गया है। अफ्रीकी संघ बना G20 का स्थायी सदस्य। पीएम नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव समूह के सभी सदस्य देशों ने किया स्वीकार। इसी के साथ ग्लोबल साउथ का यह प्रमुख समूह दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रविवार को जाएंगे अक्षरधाम मंदिर। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ करेंगे स्वामी नारायण के दर्शन। समय तय नहीं, हालांकि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अडानी मामले पर कांग्रेस का मोदी पर तंज। G20 की थीम भले ही एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में एक व्यक्ति एक सरकार एक कारोबारी समूह में विश्वास करते हैं। मोरक्को में बीते रात आए शक्तिशाली भूकंप में 800 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र माराकेश से 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एटलस पर्वत में 18.5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति ने G20 के लिए डिनर का आयोजन किया है। नीतीश ने कहा, राष्ट्रपति के नेतृत्व पर दिल्ली आए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, घोसी में मिली जीत के बाद सुधाकर सिंह की जीत भाजपा के अहंकार और घमंड को चकनाचूर करने वाला नतीजा है। जीत का हमारा नया फॉर्मूला सफल साबित हुआ। G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था पर स्पेशल सीबी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने कहा, G20 के लिए दिल्ली पुलिस महीनों से तैयारी कर रही थी, आज वह मुख्य दिन है। दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा शिवसेना के शिंदे गुट में हुए शामिल। झुंझुनू में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए गुड़ा। भाजपा JDS गठबंधन को लेकर कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने कहा, अभी तक हमारे बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस पिछले 2 से 3 महीनों से लोगों को लूट रही है। राजनीतिक गतिविधियों को देखकर कांग्रेस डर गई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ TDP समर्थकों ने आज विशाखापट्टनम के ओदागार्डली BRTS रोड पर किया विरोध प्रदर्शन। बाद में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नायडू ने कहा, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, CID ने बिना किसी उचित जानकारी के मुझे गिरफ्तार कर लिया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी, राजद सांसद मनोज झा ने कहा, एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल के सलाखों के पीछे रखने की गौरवशाली परंपरा मोदी जी और अमित शाह जी ने शुरू की है, उसमें नए लोग भी शामिल होते जा रहे हैं। असम कैबिनेट ने केंद्र सरकार को विवादास्पद कानून AFSP वापस लेने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात और इस मुद्दे पर चर्चा के 4 दिन बाद दिया गया। वेलकम टू द जंगल का टीजर अक्षय कुमार के बर्थडे पर फिल्म वेलकम टू द जंगल का टीजर रिलीज। अक्षय, दिशा पाटनी, संजय दत्त, जैकलीन फर्नांडीज, लारा दत्ता अभिनीत यह मूवी क्रिसमस 2024 पर होगी रिलीज। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा चटका। कोर्ट ने खेसारी से कहा कि वे अगले 2 साल तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी दूसरी कंपनी के लिए नहीं गा सकेंगे गाना। खेसारी ने तोड़ दिया था करार। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।